गरीब से कंडोम गायब होता जा रहा है, क्या इसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार कुछ कदम उठाएगी या नहीं? इसको 50% ऑफ करें केजरीवाल साहब, अगर आप छाती पे रखे हमारे वीडियो देखते हैं। 15,000 पोस्टर लगाएं इस बात के। अगली बार अगर हम सत्ता में आए तो 200 क्वांटम तक माफ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। मेरा नाम है सबूल को सिखा दिया ना वो। अच्छा अच्छा, भूल गए, मैं तो कंफ्यूज ही हो गया, क्या है? आई एम शुभम। ये लो, प्रॉब्लम ही सॉल्व यार। हिंदुस्तान से अंग्रेज चले गए। मुझे छोड़ गए, छोड़ गए, मुझे छोड़ गए। करते इनको शर्म आती है हिंदी में बोलने पे कि मेरा नाम शुभम है या मैं हूँ शुभम। दोस्तों, क्योंकि हम ये वीडियो तभी रिकॉर्ड कर रहे हैं जब हमने पिछला वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो हम ऐसे ईमानदारी से हेलमेट की कसम, इसे पहनने वाले की कसम खा के बताना चाहते हैं कि कुछ नया यूपीएससी में तो देखो हमारे पास है नहीं। क्या करते भाई, बैक टू बैक रिलीज ही ऐसे हो गई। हाँ। शूट भी सेम डे करनी पड़ रही है। हमारी क्या है, हमारे कपड़ों से आप देख पा रहे हो हम मजदूर लोग हैं। हाँ, मजदूर यूनियन में काम करते हैं दोनों। ये हमारी एक वर्दी है और ये ऐसी यूनियन है कि हड़ताल करके भी काम नहीं हो पाएगा हमारा। तो हमें एक दिन की दिहाड़ी मिली, आगे हम सब निपटा के चले गए उस दिन। जितनी जो बातें रख सकते थे हमने रखी और हमने देखी हेलमेट ऑन Z5 और हमने कहा कि चलो इस पे तो काफी बातें हैं एक्चुअली करने के लिए। हमारा ये हेलमेट दोनों हेलमेट खरीद लेते हैं, काफी अनुभव है, हम उन पे बात करेंगे और फिल्म की बात करेंगे भाई। ये अरे इसको ही पता ना क्या करे उन हाथों में जिनका कुछ काम ही नहीं है इसका। तो ये मेरे तो सही उचित दूरी बना रहा है। बट हमने देखी हेलमेट ऑन Z5 एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट की बहुत अच्छे टॉपिक पे बहुत ही अंडरवेलमिंग फिल्म। ऐसे वो क्या था, ल्यूक फॉर्म कुछ ल्यूक फॉर्म इतिहास में दोस्तों ये पहला मौका आया है जब अपार शक्ति खुराना दोस्त नहीं बने, लीड है, वो हीरो बने, उनको दो दोस्त मिले। हमें बोलते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। हाँ, कितने ही रिव्यू में लीड रोल में है अपार शक्ति खुराना, उन्होंने इस सब को पीछे धकेल के अभी इधर उन्होंने कहा कि अब मैं हीरो, मेरे को चाहिए दोस्त, हीरोइन होना हो, दोस्त मुझे चाहिए, मैं वही बनता आ रहा हूँ। और उनके कैरेक्टर का नाम है लकी है, यूपी के कुमार शानू, वो बैंड में गाना गाते हैं। और मजाक से हट के दोस्तों, ये पिक्चर सही में यूपी में बेस्ड है, अखंड उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में इमेजिनरी राजनगर जिले में, जो कि है बनारस जैसा। बनारस भाई किसी उदनी ना शहर का सही नाम लेने का, उन्हें पता है मिर्जापुर बोल दिया उसी बाद पिक्चर हट जाती है, तो उन्होंने इमेजिनरी नाम रख दिया राजनगर। और हम तो हमने मसान देखी नहीं, हमने रांझना देखी नहीं, हम तो पहचानेंगे नहीं, हम तो पता ही नहीं घाट कैसे होते हैं, हमें पता ही नहीं है बनारस है। पीछे से 3 बार तो संजय मिश्रा प्रेम से पास होते हुए दिखे हैं, क्या तो वो भी झूठ है, अब क्या तो झूठ है। ये क्या है, ये एक बैंड में लीड सिंगर है और किसी और का बैंड है और ये उसे छोड़ के अपना खुद का खोलना चाहते हैं। क्यों? और जिसका बैंड है उसकी बेटी से प्यार भी करते हैं। नहीं नहीं, उसकी मामा है वो, तो उनका ही मतलब। हाँ, एक तरीके से समझ लो। जी जाजी ठीक है। बट जो इनकी ये लव इंटरेस्ट है, ये बनी है प्रनूतन बहल और ये उनकी बेटी है अपने। कभी एक लड़का और लड़की प्यार नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, समझ क्या ना? लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। कौन से बहल थे वो? मोनीश बहल। मोनीश बहल एक हाथ जेब में रख के चलने वाले मोनीश बहल तो सच है कि भगवान है। प्रनूतन जो है ये वो है, वो वेडिंग में बैंड बजाते हैं, ये डेकोरेटर है। और अब उनके दो दोस्तों की बात, अभिषेक बनर्जी वो अभी भी दोस्त बने हुए हैं, उनका पता नहीं टाइम कब आएगा। आ चुका है वैसे तो उनका टाइम, नहीं दोस्त ही थे भाई वो, उनका भी सोलो लीड नहीं आया उनका भी। इंतजार है, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह में रहा जैसे वो जो नेटफ्लिक्स एंथ्रोलॉजी बनाता है। बट अभिषेक बनर्जी के कैरेक्टर का नाम है इस बार सुल्तान और सुल्तान पहले पोल्ट्री फार्म एक चलाते हैं तो। और इनके तीसरे दोस्त है आशीष वर्मा और आशीष वर्मा के कैरेक्टर का नाम है माइनस बने हैं बहरे। वो सच्चे दोस्त हैं, वो अपना कुछ काम नहीं करते। सच्चा दोस्त वो है जो ऐसे भैया पे डिपेंडेंट हो, एक कि जिसको अपना दोस्त मानता हो वो बिल्कुल आत्मनिर्भर। लड़की के पिता आशीष विद्यार्थी, उन्होंने आई थिंक 2021 में ठेका उठा लिया है कि वो सिर्फ ऐसे ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट वाले बुड्ढे ही बनेंगे जो चैन से युवाओं को तंग करेंगे। हमने उनको पहले देखा था Z5 के सनफ्लावर में, वहाँ युवाओं को किराए पे घर नहीं लेने दे रहे थे, तंग कर रहे थे। इस बार इंटरकास्ट मैरिज वाले हर तरीके से दिक्कत थी, इस बार अपनी लड़की की शादी नहीं होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उसकी शादी करनी है किसी वो हार्वर्ड के पास आउट से एमएलए साहब के बेटे, एमएलए साहब के, जबकि 2014 में मोदी जी बता चुके हैं अब हार्वर्ड का नहीं हार्डवर्क का समय है और देश ने उनका हार्डवर्क देखा है। आज देश का युवा देखो, हो सकता है इन्हें फोन कर दें, लक्की जी गाना सुना आपका, अरे रोइए मत, देखिए आपके रोने की आवाज आ रही है, पहले चुप हो जाइए। नहीं मैं गा रहा था सर। अच्छा अच्छा, सैड सॉन्ग गा रहे थे लंबी 4 दिनों था प्यार और अब्बा, चलिए चलिए गाते रहिए। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में विलेन बने हैं शारिब हाशमी, मतलब ऐसी फिल्म में जैसे विलन होते हैं आपको पता है वैसे वाले विलन, बंटी भाई वही है, अपने ऐसे छोटे मोटे उधार बांटते हैं ना तो वसूलियां करते हैं। कितना बिजी लाइफ है ना, उधार दो वसूली में लगे रहो।
ईट गिव उधार वसूल उधार स्लीप रिपीट ये होगा व्हाट्सएप स्टेटस यही होगा। इसके अलावा फिल्म के अंदर है रंजन राज जिनको हम कह सकते हैं हमारे दोस्त रंजन हमारे राज दोस्त खास दोस्त रंजन राज ठीक ठाक दोस्त ना मेरे खास है ये भी चिल कर गया ना चार पांच दिन और वो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है एक सिनेमा हॉल मैनेजर का जो कि छोटा ले और अच्छा कैरेक्टर है और उनका सिनेमा हॉल भी वैसा ही है कि जहां आप छोटा और बड़ा करके पास आप अच्छी मीठी मीठी यादें पैंट पे दागले करवा बाहर आएंगे क्योंकि वहाँ कोई और पोस्टर होता है और अंदर कोई और फिल्म चलती है। साथ ही साथ इसमें जमील खान भी है वो बने हैं आपके सैलून चलाते हैं वो सैलून चलाते हैं पांच बच्चों के पिता हैं क्योंकि जीजा के उन्हें खरीदने में ऑनरेरी मेंशन दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं परम आदरणीय डिनो मौर्या साहब हमने उनके उस कोई तो डिनो मौर्या का फैन निकला बताओ इतना फनी जोक मारा कि एम्पायर से लोगों को रोजगार मिल रहा है डिनो मौर्या को काम मिल रहा है उस पर कोई लिख रहा डिडंट लाइक द वे यू मेड फन ऑफ डिनो मौर्या हमें पता भाई ओरिजिनल आईडी से आ जाती है अपने वो राहुल एम नाम रखने की जरूरत थी हमें नहीं पता क्या आप देखते छाती पर रख के फोन राजेश के हिसाब से हमारा रिव्यू सिर्फ देखा जाता है तो ऐसे ही देखा जाता है यहाँ छाती पे फोन रख के बस दिस इज द ओनली वे कंफर्ट पूरा दे रहे हैं ज्ञान के साथ आप लेटे लेटे देखो आप हकते हुए देखो आप भगते हुए देखो मर्जी देखो और पूरा फन मिलेगा जिन मैं तो कहना चाहूंगा कि जिन जिन अवस्थाओं में आप देख रहे हैं फोटो खींच के हमें भेजें इंस्टाग्राम पे हमें टैग करें हम देखना चाहेंगे किन किन अवस्थाओं में आप देख रहे हैं भाई तो ये सारे लोग हैं डिनो मौर्या जो है दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और स्टैनली की तरह एक सीन में भी आते हैं। अब जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि फिल्म का प्लॉट बेस्ड है अपने स्मार्ट उत्तर प्रदेश में राजनगर नाम की काल्पनिक जगह पे। अब वहाँ पे क्या सीन है कि ये जो अपने लक्की हैं ये एक बैंड में लीड सिंगर है पॉपुलर हैं क्योंकि एरिया में वहीं दूसरी ओर एक और पैरेलल स्टोरी जो स्टार्टिंग में दिखाई जाती है एक कंपनी है जहाँ पे मीटिंग चल रही है हाँ। क्यों एक ही मैं आज तक नहीं समझ पाया जब इसकी सीधे सीधे स्पेलिंग है कॉन्डोम CONDOM इसको कंडोम क्यों बुलाते हैं फिर हिंदी में कंडोम बुलाते हैं पहले हिंदी में भी कंडोम लिखा रहता है अच्छा अच्छा हिंदी में लिखा जाता है वहाँ कंडोम लिखा जाता है हाँ। अच्छा जी वैसे सोसाइटी के हिसाब से तो कंडेम ही है ये हाँ। कि इसको बिल्कुल कंडेम क्या ये बॉयकॉट ये वो पहली वस्तु है जो बॉयकॉट होनी शुरू हुई है बिना ट्विटर के मैं बताता हूँ ना बचपन की कहानी मेरे पे ऐसी बहुत कहानियां बिल्कुल तो जैसे पहले क्या होता था कि सरकारी डब्बे लगे रहते थे अच्छा जगह जगह से सरकारी उसमें 5 रुपए का सिक्का डाला ऐसा निकल के आया था ओह डिस्पेंस तो कोई अब हर ग्रुप में एक ऐसा होता ना कोई बच्चे उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं हाँ देख लेते जो भैया थे गुटखा खा के बैठे रहते थे तो वो तो थे मेरी गली मोहल्ले के बच्चों की बात करता हूँ मैं तो ऐसे एक भैया जो होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं और उनको थोड़ी हरामखोरी पहले से हो जाती है तो वो कहीं से निकाल लाए और एक और दोस्त था ऐसे उसको बुलाया हाथ आगे कर उसके हाथ आगे क्या उसके हाथ पे रख दिया अभी ऐसा कुछ गलत नहीं है भाई वो रोना शुरू कर दिया उसने मैं अभी नहा के आया था रो रहा मुझे फिर नहाना पड़ेगा क्या कर रहा है तू तेरी मम्मी को बता दूंगा तेरे पापा को बता दूंगा अरे यार इतना गंदा गंदी चीज थोड़ी है मतलब यार ये सोचना ये तो आज की डेट में है तो फिर ले जा 15 साल पहले यार तब की बात है तब तो और टैबू था और मैं नोटिस कर रहा हूँ दोस्तों ये जो है ये 77 रुपए का है ऐसे कैसे खरीदेगा इंसान यार ये तो बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली नहीं है ये कि अगर तुम 77 का बेचोगे और बोलोगे कि ये बेस्ट है ये सबसे सेफ है अल्ट्रा थिन है एक्स्ट्रा टाइम है अब इसके बाद सरकारी जो सस्ते मिलते हैं 10-15-20 रुपए वाले उस पर कैसे भरोसा करेगा इंसान यार बच्चे उसको तो रेडर लगा रहेगा कर कोई वो तो फिर इसी काम आएंगे दोस्त के हाथ रख दिया डरा दिया या फिर आपको ये भी तो डर रहेगा पहनते पहनते कि कल को अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कोई मेरे बेटे को फिर वही फटे कॉन्डम की पैदाइश चढ़ाएगा इसमें भी मुझे लगता है सरकारी नियम आना चाहिए एक भारत एक रेट बस आपका फ्लेवर सस्ता रेट हाँ अफोर्डेबल बनाओ सबसे पहले अफोर्डेबल बनाओ तभी तो बंदा खरीदेगा यार इसमें 23 रुपए और डाल के तो पेट्रोल आ जाएगा अब बंदा ये 3 ले आया खरीद के हाँ तो भाई क्यों ना सोचे धोके चला लूंगा ये रिसाइकल रियूज को मैं तो जरा भी प्रमोट नहीं करता दोस्तों मतलब मजबूरी क्या ना करा दिया लेकिन इंसान भाई एक टाइम बार को तो सोच लेगा ना फिर वो और हाँ केजरीवाल हर चीज पे 50% ऑफ करता है इस पे कर दे और हर चीज पे सब्सिडी की मांग होती है इस पे दो भाई और गलत है क्या इसमें नहीं बिल्कुल इसको 50% ऑफ करें केजरीवाल साहब अगर आप छाती पे रखे 15,000 पोस्टर लगाए उस बात के बधाई दिल्ली 20 रुपए का अगली बार अगर हम सत्ता में आए तो 200 क्वांटम तक माफ 200 यूनिट बिजली फ्री 200 यूनिट क्वांटम फ्री आप अगर ऐसे देख रहे हैं इस टाइम छाती पे रख के फोन तो तुरंत अपने उधर फोन कर दें और ऐसा भी नहीं ना कि अगर आप जिस दिन करने जा रहे हो मेकआउट करने जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं जाओगे सीधे शुरू कर जाओगे कुछ आप गिफ्ट भी लेके जाओगे प्लीज करना होगा आपको लोकेशन आपकी लगेगी बहुत खर्चा यार ये कभी हमने इस ओर तो ध्यान ही नहीं दिया हम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं इस देश के और आज हमने आज जायज बात पर सवाल उठाया हमने सेक्स मिनिस्टर सेक्स अफेयर मिनिस्टर बनना चाहिए यार मुझे निराशा इसी बात पे कि रविश कुमार रोज रात को बताता है गरीब की प्लेट से अब चावल गायब होने लग गया है
सब्जियां उसने आज तक ये नहीं बोला कंडोम भी अब 80 रुपए का मिलने लग गया है। मुझे लगा तू वैसे ही बताएगा जैसे गरीब की थाली से गायब हुआ था तो ऐसे बता देता हूँ ना मैं तेरी तेरी ये समझ गए तेरी अच्छा मुझे पूरी करनी है। मुझे इस आदमी के चेहरे पे हंसी चाहिए। गरीब से कंडोम गायब होता जा रहा है, क्या इसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार कुछ कदम उठाएगी या नहीं? ये उठना चाहिए भाई सच में, कितना अनफोर्डेबल है यार। अब लग रहा रिव्यू कुछ कंप्लीट था कि आज एक जनता के हक की एक बात भी कर दिया भाई। हम तो मौका मिलते ही करते हैं भाई, इन्हीं के लिए जी रहे हैं यार हम। हाँ यार खैर हाँ, फिल्म पे वापस आते हैं तो यही चल रहा है कि लक्की जाए एक ब्रास बैंड में मुख्य गायक है लेकिन वो अपना बैंड शुरू करना चाहते हैं क्योंकि पैसा कमाना है और उनकी अपनी हीरोइन से शादी करनी है उन्हें अपनी से। लेकिन साथ में पैरेलली ये चल रहा है कि ये जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे कॉन्डम को लेके बहुत लोगों के अंदर झिझक है, खरीद नहीं पाते हैं। ऐसी इसी चक्कर में किसी के बच्चे 5 हो गए हैं। एक एनजीओ है जो इसकी अवेयरनेस को लेके प्रोग्राम चला रहा है, उनकी भी ऐसा है कि जब वो जायज़ तरीकों से अवेयरनेस फैला रहे हैं तो वो भी पिट जा रहे हैं और ये इनको पैसे कमाने हैं। तो अब ये दोनों कहानियाँ मिलती हैं, ऐसे हैं कि ये सुनते हैं इनके बैंड में एक और व्यक्ति काम करता है जो कि पार्ट टाइम ट्रक ड्राइवर नहीं है, उसका पूरा धंधा है। इनको आइडिया आता है कि भाई पैसे कमाने तो एक काम करते हैं, ये जो एक इसका सामान का ट्रक आता है ना उसमें से एक लूट लेंगे। कुछ अच्छा अच्छा सामान ट्रांसफर होता है तो हाँ। क्या करते हैं कि सामान लूटते भेज देंगे, पुलिस वाले बन के लूट लेते हैं सरलता से। किस्मत उनकी खराब और वो भूल जाते हैं कि पिक्चर एक्चुअली हेलमेट पे भेज दें। उनको दिमाग लगाना चाहिए था ना कि जब हमारी कहानी का नाम मोबाइल होता तो शायद मोबाइल निकलते, जब फिल्म का नाम ही हेलमेट है ये हेलमेट निकलते फिर भी सही बिक जाते। फिर तो बिक जाते भाई, उस एरिया में रहते हैं जहाँ लोग खरीदना ही नहीं चाहते, तो इसको बेके कैसे? कि वो कैसे कैसे तरीके निकालते हैं, कौन कौन लोग उनके एजेंट बनते हैं, कौन कौन लोग उसमें शामिल होते हैं, कैसे वो उन कॉन्डम्स को बेचते हैं हाँ। कैसे अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं हाँ। क्या उसके बीच में कहानी में ट्विस्ट आते हैं टर्न्स आते हैं ये सब देख लेना। ये सब आप फिल्म देखें और उसमें मजे करें, मजे अगर कर पाए तो, क्योंकि एक्चुअली उतने मजे है नहीं फिल्म में। जितना क्रेजी टॉपिक है हाँ उतने मजे है नहीं। सो अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमें पसंद आई और जो हमें नहीं पसंद आई। प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग था हाँ, जिसके ऊपर फिल्म बेस्ड है, ये टॉपिक ही खुद में बहुत अच्छा जरूरी क्रेजी इस पर बहुत कॉमेडी कर सकते हैं मतलब आप। दूसरी चीज जो हमें फिल्म देखने के बाद अच्छी लगी कि फिल्म की लेंथ बहुत ठीक है। इस फिल्म ने हमारे सिर्फ 100 मिनट खराब किए, बिल्कुल ऐसे वसूल तो नहीं किए इस पे आप ध्यान दें, लेकिन सिर्फ 100 खराब किए इसलिए फिल्म बधाई के पात्र है। और तीसरी चीज जो हमें अच्छी लगी उसके लिए एक सेकेंड, हाँ 50 रुपए क्रेडिट हो गए। रंजन का काम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। रंजन थोड़े समय के लिए स्क्रीन पे आए और हमेशा की तरह दिया भाई यार। दिल लूट के ले गए, मैं 10 रुपए का बोनस और आ गया, शुक्रिया रंजन भाई। किसी के जोक्स पे अगर हंसी आती है तो वो रंजन और जमील खान के ही है, बाकी सबके तो बिल्कुल मतलब फ्लैट जाते हैं। एक आध है जो एक आध है वो हम उसी पे आते हैं कि हमें क्या क्या नहीं पसंद है। सबसे पहली बात तो भाई साहब एक्टिंग, अब वो लिखाई वीक है एक्चुअली, इतना लिखाई वीक गया यार, कॉमेडी का वही नहीं है इतनी, मुझे लगता है ट्रेलर में जितनी है बस वही है। दूसरी चीज दोस्तों, इसमें एक फिल्म जो है एक गायक की लाइफ के ऊपर, उसमें किसी अच्छे गायक को बैकग्राउंड आप दे देते उस्ताद टोनी का कड़गा और वही उनका गाना है जो जो इनकी नर्सरी राइमिंग लेवल की शिट होती है वही उन्होंने यहाँ फिर से परोस दी है। एंड द थर्ड थिंग दैट वी डिसलाइक्ड इज की डिटेलिंग की इतनी ज़्यादा कमी है। एक सीन के अंदर एक बंदा 6 महीने का जेल टाइम करके आता है और उसका हेयर स्टाइल जेल में घुसते टाइम से बढ़िया लग रहा है, या फिर जेल में इसका आलिम अलीम बनता ये सब चीज़ें थोड़ा तो इस चीज़ें तो काम करो तुम। बावजूद इसके हम कहेंगे कि आप बैठ के अपने परिवार के साथ देखें ये फिल्म देखें, तो जितनी भी आप दिखा पाएं अपने घर वालों को जरूर दिखाएं बावजूद इस सब के, एटलीस्ट कुछ लिटरेसी तो आएगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्म का नाम हेलमेट क्यों है, तो ये लोग जब अपने अलग अलग एजेंट्स बनाते हैं जिनके थ्रू बिकवा रहे होते हैं तो ये एक और हैक ये निकालते हैं, कॉन्डम खरीदना जितनी बड़ी शर्म की बात है शायद बेचना भी उतनी शर्म की बात है। क्योंकि जब हम किसी को जानते हैं और उसके पास खरीदने जाते हैं तो हमें लगता है कि अब जज कर रहा होगा हाँ, तो ये क्या करते हैं हेलमेट पहन के कॉन्डम बेच। और कॉन्डम क्या है मतलब वो भी एक तरह का हेलमेट ही है, प्रोटेक्शन ही है जैसे ये हेलमेट है, तो इस तरीके से पूरा हेलमेट नाम आता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टूपिडिटी ऑफ द वीक की, और ये वीक की नहीं 2 महीने चल रही है जब से इंडिया इंग्लैंड, एक आध बार अच्छा लगता है हाँ। एक आदमी जारो नाम का मैदान में घुस जाता भाई, वो इंडिया की टीम जाती है अलग अलग जाके शहरों में खेल रही है हाँ। हर शहर में पहुंच जाता है कपड़े पहन के मैदान के अंदर तक घुस जाता है। 200 साल हमारे देश पे राज किया, आज भी लाल किले के बाहर टिकटॉक बनानी होती है गोरे के साथ नाचते हैं हमारे छपरी लौंडे सारे के सारे, हमने उन्हें हर तरीके की जद्दी। और ये बदले में हमारे खिलाड़ी क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं, पुजारा के आधे टाइम तो यही
छटपटी रहती होगी कि मैं 3 नंबर जाऊंगी जा रहा आएगा बार 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 पहुंच रहा है यार वो आदमी ग्राउंड पे कितना करिया है यार इनको भाई वेदर इनका लैंडी माइकल वॉन इनका लैंडी ऑडियंस इनकी लैंडी सही में बॉयकॉट करना पड़ेगा भाई इनका बॉयकॉट करना या इनको अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा सालो कुछ कर यू ब्रिटिशर्स गो अफगानिस्तान वहां से तो भाग गए चोर चढ़ गए पहले ही भाई ऐसी हरकतें करोगे फिर रानी को कोई लंबी उम्र की दुआएं नहीं देगा वो इस उम्र में कोविड झेल गई वो ऑलरेडी लिखवा के आई ऊपर पैंच इंडिया में यमराज का जिससे कोई किससे लिखता ना इधर ले लिया बाद में उनके सामने 3 तो चित्रगुप्त रिटायर हो गए 25 साल की अपनी सर्विस पूरी करके वो रिटायर हो गए उनकी रिटायरमेंट पार्टी अटेंड करी है इन्होंने 3 बार जाके तो कह रहा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस हफ्ते का कोटा अपना डन मिलते हैं अगले हफ्ते चलो बाय गाइज़